ये इस बात के लिए खुशी व्यक्त करता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुंबई शहर में ये अवार्ड फंक्शन रखा गया और अच्छी अच्छी फिल्मों को एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, प्रोत्साहन मिला है। इससे जो भी मेकर्स होते हैं उनको कुछ और नए नए सब्जेक्ट, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आ चुकी हैं, अब कुछ गंभीर सब्जेक्ट जिन पर हम चर्चाएँ तो करते हैं बट आज तक वो फिल्में आई नहीं हैं। तो जैसे अभी एक कुछ मुझे बताया कनाडा से कुछ एक मेडिकल प्रॉब्लम की पे एक फिल्म बनी है, अभी लास्ट मैंने देखा, तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। इन मैं फिल्मों को ज़रूर देखने वाला हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ पनोरमा का जिन्होंने ये आज का आयोजन रखा है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में आते रहें, अच्छे अच्छे मेकर्स आते रहें और नए नए सब्जेक्ट पे फिल्म लाते रहें, इंटरनेशनल लेवल पे हर भाषाओं से हर तरह की फिल्में आए, और बहुत खुशी है मुझे। नेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या संदेश देना चाहती हैं आज हमारे चैनल के माध्यम से? ऐसे तो मैं आज फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे आई हूँ, वो भी हम कहीं गए थे और अचानक यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आने के बाद इतनी खुशी मिली सबसे मिलके और सब देखा तो बहुत अच्छा लगा। हैप्पी वुमेन्स डे फॉर ऑल वुमेन्स, थैंक यू। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मुंबई जैसे हमारे शहर में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे पहले जो ऑर्गेनाइज़र है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई है, कॉन्ग्रेचुलेशन कि इतना बड़ा इवेंट उन्होंने यहाँ पे मुंबई सिटी में बुलाया, कहाँ कहाँ से पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आए अवार्ड्स के लिए। और आज महिला दिवस है तो यकीनन अगर हमारी माँ या महिला इस दुनिया में ना होती, सृष्टि भगवान उनको जन्म नहीं देता या इस धरती पर भगवान के रूप में नहीं भेजता, तो शायद ये संसार में आज हम सब ना होते। तो उन सभी महिलाओं को मेरी तहे दिल से आज वुमेंस डे की बहुत बहुत बधाई हो। बहुत नया शो है जो पिछले 2 साल से टीवी में तहलका मचाया, वो है मैडम सर। तो मैं आपके दर्शकों के माध्यम से चाहूँगा कि ये दोनों सीरियल को भी अपना आशीर्वाद दे और सुपर हिट तो है, इसको सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर बनाए, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी। अभी महिलाओं को मैं अपनी तरफ से हैप्पी वुमेंस डे बोलना चाहूँगा और अवार्ड तो बड़ा अच्छा लगा। अपनी आप कोई भी चीज़ को मतलब लेकर या छोटा सा भी अगर आप एफर्ट डालते हो और उसका आपको थोड़ा सा रिकग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच। मैं अवार्ड फंक्शन में यही बोलूँगा कि इन्होंने इस लाइक समझा उस फिल्म को और उन्होंने ये अवार्ड दिया मुझे बेस्ट शॉर्ट फिल्म का। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो प्रबोधन के साथ साथ में कुछ अच्छा स्ट्रांग मैसेज दे, ऐसी फिल्में बतौर डायरेक्टर के तौर से हम बनाना चाहेंगे। और एक हमारा जो भी जितना योगदान हमसे पॉसिबल है फिल्म इंडस्ट्री के लिए हम देते रहेंगे। थैंक यू। आई एम फिल्म डायरेक्टर हरि उत्रा from Tamil Nadu. Today is a great day because of Indian Panorama Film Festival. It's a great honoring for my movie named Galtha, best feature film in Tamil. Thank you for the committee, and once again today is the women's festival, so this award is very best award for my team. Kalivigale kutti innikku corona gra or yadi uruvaagapattadu adavale nam surukkamanda kadaiya நான் உருவாக்கி மக்களை எப்படி இந்த கொரோனா பாதிக்குது அதில் இந்த வேஸ்ட்டுகளை கொட்டுறதுனால மக்களை இந்த பாதிக்கிறதுனால இந்த படத்தை எடுத்து நீங்கள் தமிழ்நாடு ஒளிபரப்பினா இது வந்து ஒரு மக்களை எந்த அளவுக்கு அழிச்சு கொண்டிருக்கிறது. ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ காட் திஸ் அவார்ட் அண்ட் திஸ் ரெக்கக்னிஷன் ஆஃப் டாஸ் மியூசிக் டைரக்டர் ஆர் மே இண்டியன் பனோரமா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் கோ மே பகத் தய தில் சே சுக்ரியா கர்னா சாத்தா ஹூன். और साथ ही साथ मैं अपने डायरेक्टर विक्रांत मोरे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अवार्ड फंक्शन शो के लिए। बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी डॉक्यूमेंट्री जो सामाजिक समस्या पे है, डॉक्यूमेंट्री जो बनाई है मैंने गार्बेज पे, उस पर मुझे अवार्ड दिया जा रहा है और उसको भी बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया है। तो एक तरीके से एक अच्छा है कि इंडियन पैनोरमा फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने हमको एटलीस्ट हमारी दखल अंदाजी की है एंड दे आर एटलीस्ट लुकिंग एट अस कि महिला भी कुछ और कर सकते हैं सिवाय कि जस्ट घर पे बैठ के खाना या कुछ और काम करना। बट बिसाइड्स दैट बहुत खुशी हो रही है कि मीडिया में रह के अगर मीडिया के साथ काम कर सकते हो तो ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच इंडियन पैनोरमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स एंड थैंक यू सो मच फॉर माई डायरेक्टर सर हियर एंड एवरीबडी for this this is my very first award and I am just more than grateful. Thank you. Thank you for Indian Panorama and thank you for Dhoomkeetu teams. Okay. पहले तो मैं आप सबको वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और मैं आज बहुत खुश हूं, ये मेरा पहला अवार्ड है और पहला एक्सपीरियंस है। सारी चीज़ें जो भी मेरे साथ हो रही है एकदम न्यू हो रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूं और थोड़ी सी नर्वस हूं। आज अवार्ड फंक्शन भी और आपको आज अवार्ड से नवाजा गया है,
तो क्या कहना चाहेंगे? So it's a nice experience for me. As I said, this is my 71st award for Kota movie. Getting an award in Women's Day, it is very pleasure for us, because it is a matter of women. We have spoken about the women also, women empowerment, how the women empowerment is very fulfilling the family also. We have shown in our Kota movie. It is a nice experience for us. आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।